हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। और ये देख, मेरा पूरा का पूरा परिवार सो रहा है। और आज है थर्सडे, आज है मेरा फास्ट। फटाफट मैं नीचे उतर जाती हूँ कि मैं देखती हूँ पानी आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। पानी नहीं आया हुआ होगा तो आती हूँ तो पानी नहीं आया हुआ होता, फिर मैं लाइट को ऑन कर देती हूँ और मोटर को नहीं चलाती हूँ क्योंकि पानी अभी नहीं आया है। फिर मैं चाय बना देती हूँ। अब आप सोचते हो आज पहली बार की चाय बना दी मैंने। हाँ, मैंने नहीं पिए, पहली बार की चाय बना दी मैंने नहीं पिए। और फिर मैं अपने आग जलाने के काम के ऊपर चल देती। देखिए, फटाफट मैंने आग जला दी है और आज ये है कि मतलब फटाफट पानी गर्म हो जाएगा। उसका कारण क्या है, इसमें आज मोटी लकड़ियाँ डाल दी हैं क्योंकि छोटे वाले लकड़ियाँ लगभग ख़त्म होने को हो गई हैं, तो मोटी लकड़ियों का यूज़ करने लग गए हैं तो फटाफट पानी गर्म हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत टाइम के अंदर फ़र्क हो जाता है। मतलब जो पानी 20 या 25 मिनट में होता था वो 10 या 15 मिनट में हो जाता है क्योंकि मोटी लकड़ी का फ़र्क हो जाता है। और ये देखिए, फिर पानी आ जाता है। फिर मैं मोटर को चला दिया है और फिर मैं पीने का पानी भर देती हूँ। मतलब नहाने से पहले पीने का पानी भर देती हूँ। ऊपर नहीं भरती हूँ, नीचे ही भरती हूँ क्योंकि ऊपर का चलता रहेगा। मतलब नहाने के बाद में, पूजा पाठ के बाद में चलता रहे तो मैं भर दूंगी, नहीं तो मैं नहीं भरूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब सुबह ये हो जाता है भागम भाग कि मतलब दिन निकलने से पहले मैं नहा लूँ, पूजा कर लूँ और फिर मतलब अपनी ज्योत बत्ती करके चाय पानी पी लूँ। मतलब बस ये लगा रहता है कि हाँ मेरी पूजा पाठ टाइम के ऊपर हो जाए, मेरी पूजा पाठ टाइम के ऊपर हो जाए। तो बस इस बस फटाफट मैं लगी रहती हूँ क्योंकि मतलब मेरे को है ना, बस ये हो जाता है कि मेरी पूजा लेट ना हो जाए। मतलब ये नहीं होता कि कोई फोर्स कर रहा है, लेकिन बस ये हो जाता है मेरी पूजा लेट नहीं होनी चाहिए। मेरे को बस मेरे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है। मतलब मैं एक अंधविश्वासी टाइप की लड़की हूँ, मतलब लड़की नहीं कह सकते, औरत हूँ। और मतलब बस इसलिए मैं भगवान के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो फटाफट ये हो जाता है कि मतलब मैं नहा लूँ, धो लूँ और फटाफट मैं बाबा जी की पूजा कर लूँ। फिर दोबारा की चाय चढ़ा देती हूँ और मीडियम गैस के ऊपर रख देती हूँ, मतलब दूध वगैरह सब कुछ डालकर। और फिर मैं मेरी पूजा पाठ का जितना भी जो भी सामान सही होता है वो सारी चीज़ें मैं ले लेती हूँ। मतलब क्या क्या लेते हैं ये भी बता देती हूँ। चने मुनक्का, मुनक्का मतलब किशमिश, चने मतलब जो भुगड़े होते हैं वो वाले, मतलब भुने हुए। और मतलब दिए के अंदर घी, लोटे के अंदर पानी और चीनी, मतलब शक्कर बोलते हैं, शक्कर ये नहीं पता, मतलब कहानी के अंदर शक्कर है, शक्कर वो शक्कर को बोल रहे हैं या चीनी को बोल रहे हैं पता नहीं। मतलब शक्कर को भी, चीनी को भी शक्कर ही बोलते हैं। तो मैं चीनी डालती हूँ। देखिए, थोड़ी थोड़ी बारिश आ जाती है और इतने प्यारे दो फूल खिल गए हैं। मतलब इस पेड़ के, ये मतलब पौधे के ये वाले फूल खिलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब मेरे को पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये मतलब देखिए, पता नहीं कितनी तरह के तो लगा रखे हैं। और ये देखिए, ये सब कर लेती हूँ मैं। फटाफट मेरे बाबा जी की पूजा, मतलब बृहस्पतिवार के दिन मैं केले की पूजा करती हूँ। और केले की ही पूजा का मतलब मान्यता भी है कि केले की पूजा, केले के अंदर दीपक चलाना चाहिए। तो मैं दीपक को भी वहीं पर ही जलाती हूँ, मंदिर में नहीं जलाती। मंदिर में सिर्फ धूप मारती हूँ और मतलब सिर्फ मतलब धूप लगाती हूँ। मैं इन कहती धूप धूप लगाती हूँ, मतलब धूप लगाती हूँ। दिया मैं हमेशा केले के पेड़ में लगाती हूँ क्योंकि मतलब बृहस्पतिवार के दिन वहीं पर ही लगाना शुभ माना जाता है। देखिए, मेरा दिया लगा दिया है। और फिर मतलब मेरे सूर्य देवता को और मेरे तुलसी मैया को जल दे दिया। तुलसी मैया थोड़ी सी मतलब, बस ये पहले दो दो पत्ते थे, अब दो तुलसियों के 4 पत्ते हो गए, बस इतना ही हुआ है। मतलब ऊपर की तरफ अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है, होगी तो मतलब गमले से बाहर दिखने लग जाएगी, मतलब फोटो के अंदर भी दिखेगी। फिर फटाफट मैंने सूर्य देवता को दे दिया। मेरे सूर्य देवता देखिए फिलहाल तो मतलब धुंधले से नज़र आ रहे हैं, मतलब बादलों के अंदर है, लेकिन मतलब बाबा के बादल बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा बाबूजी रहा है सो, फिर मेरा बाबूजी खड़ा हो जाता है और उठते ही ले लेता है, मतलब जो कल टैब टाइप की वो लेकर आया है स्लेट, उसको ले लेता है और उसके ऊपर मतलब कहता है कि मम्मा जी कुछ दो। तो मैं उसके ऊपर 1-2 लिख देती हूँ, डॉट डॉट करके। मतलब कैसे करके मैंने गुनू की स्टार्टिंग की थी, मतलब पढ़ाई करना ऐसे करके। मतलब उसको ये है कि मतलब ये उस टाइम के ऊपर स्लेट दूसरे टाइप की होती थी, इस टाइम के ऊपर थोड़ा ये इस टाइप की आ गई है। तो मतलब इस टाइप के लेकर आए हुए हैं गुन्नू के पापा कल। और ये देखिए, फिर मतलब गुन्नू को भी मतलब स्लेट के ऊपर भी सिखा देती थी और उसके ऊपर भी सिखा देती थी, मतलब नोटबुक के ऊपर भी। लेकिन इसके लिए मैं नोटबुक अभी नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मतलब ये कैची का यूज़ करता है और फिर मेरे को है ना मतलब अच्छा नहीं लगता कि सरस्वती माता को कैची से काटा जाए। और मैं इसको कहती हूँ बाबू जी मत करो, तो बाबू जी मतलब मैं नहीं मानता बेचारा। और कोई बात नहीं, इसलिए मैं स्लेट को लेकर आ गई हूँ कि मतलब इसको वो कट नहीं कर पाएगी और इसके ऊपर वो थोड़ा बहुत सीख भी लेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मतलब ये मेरी सोच है कि मेरा बाबूजी इसके ऊपर सीख ले। लेकिन ये है कि इसको देखकर मेरा बाबूजी खुश बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ज्येष्ठा बाबू को मैं बाबूजी भी बोलती हूँ, लाड्डू भी बोलते हैं, पता नहीं कितने नाम रख रखे हैं। मतलब हर माँ बाप अपने बच्चे के बहुत ज़्यादा नाम रख देता है, तो यही मेरा है कि मतलब मैंने मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा नाम रख रखे हैं। मतलब गुन्नू के भी छोटी थी
मतलब आप भी मतलब गुन्नू को मतलब गुन्नू कम बोलती हूँ, मतलब उसके जो निक नेम है उससे ज़्यादा बोलती हूँ। उसका मतलब रियल नेम तो ज्योति है, लेकिन ज्योति नाम उसका कोई भी नहीं जानता है, मतलब क्लास के स्कूल के अलावा कोई भी, मतलब आसपास में भी कोई नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। हाँ बस मैं ये है उसको गुन्नू और खुशी बोलती हूँ, और मतलब निक नेम अलग हो जाते हैं। और मेरे लाडू जी के भी बहुत ज़्यादा नाम है, और लाडू बाबू पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ बेचारी को, लेकिन बेचारी नहीं है मेरी, बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं, और मतलब दोनों ये खुश रहे हमेशा कामयाब हो जाए। और फिर मेरा बाबू जी खेलने लग जाता है, मतलब जो सॉफ्ट टॉय है उनके साथ में, जो पानी के अंदर तैरते हैं उनके साथ में। और फिर मैं ये कहती हूँ बाबू जी पानी के अंदर तैरा लो, तो मतलब वो अपने आप से ही खेलती है, मतलब कहती है कि नहीं। फिर वो सबको बजा बजा कर देख रही है कि मतलब किस में से आवाज आ रही है, और उसको बस ये देखी जा रही है कि मम्मा ये भी मछली है, ये भी मछली है, उसके पास काफ़ी टाइप की मछली हो गई है, ग्रीन भी है, रेड भी है, येलो भी है, मतलब अलग अलग टाइप की हैं। उनके साथ में काफ़ी देर तक वो खेलता रहता है, मेरा झाड़ू भी लगा देती हूँ। उसके बाद में मेरे बाबा जी को मैं कर लेती हूँ तैयार, मतलब नहला धुला कर, मतलब मैं गर्म पानी से नहाती हूँ तो मेरे बाबा जी को भी गर्म से, ठंडे पानी से नहाने लग जाऊँ तो ठंडे पानी से, फिलहाल गर्म पानी से नहलाती हूँ मेरे बाबा जी को। मेरे बाबा जी को तैयार कर दिया है, बाबा जी को दे दिया पहली बार की चाय और मट्ठी के साथ में, मतलब मट्ठी अब लगभग ख़त्म होने को गई है, मतलब बनाते हैं और उस टाइम मैं दिखा देती हूँ इतनी सारी बन गई हैं, और फिर वो कुछ दिन चलते हैं फिर वो फिनिश हो जाती है। वो तो नॉर्मली बात है, बनी है तो वो चीज़ें ख़त्म भी होंगी। फिर मेरा बाबूजी फ़ोन देख रहा है और हमने पी लिया पहले दोबारा की चाय, और फिर ये देखिए मेरा, मैं आटा लगाने लग गई हूँ क्योंकि मेरे को बनानी है फटाफट रोटियाँ, और मेरा लाडू जी मेरे को वही फिश दिखा रहा है। अब आप सोचते हो किसको देख रही है, मैं मेरा लाडू को देख रही हूँ क्योंकि वो फिश दिखाया जा रहा है कि मम्मा जी फिश देखिए। और ये देखिए ये रहा मेरा लाडू जी फिश को देखकर नाच रहा है, मतलब कि आज इन सॉफ्ट टॉय को देखकर काफ़ी खुश है और काफ़ी देर तक खेलता रहता है। मतलब मेरे दोनों बाबू खेलते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं मेरे परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब शायद कोई ही मतलब औरत इतना प्यार करती हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये देखिए फटाफट फिर मैंने ऊपर की सफाई को छोड़ दिया है बीच में, और फिर मैं फटाफट नीचे करने लग जाती हूँ, खाना मैंने बना दिया है, चेष्टा बाबू का भी नहीं नहलाया है, चेष्टा बाबू को खाना खिला दिया है। फिर लग जाती हूँ यहाँ से धोने के लिए, और राख वगैरह निकाल कर मैं डालकर आ गई हूँ, फटाफट धो देती हूँ। हाँ पानी लगभग डेली आने लग गया है, गैप होता है तब मैं दिखा देती हूँ कि गैप हो गया है, लेकिन अब मतलब शायद 25 या 26 से कंटिन्यू आ रहा है। और ये देखिए क्योंकि अब मेरे को हौद खोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यू आ जाते हैं तब दिक्कत नहीं आती, अब एकदम से स्टॉप हो जाएगा उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उस दिन तो मतलब नॉर्मली पानी की नहीं होती, पीने वाले पानी की हो जाती है। और ये देखिए सफाई हो गई मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट, और मतलब एक बार मैं चीज़ों को सेट कर देती हूँ, और थोड़ी देर के बाद में बच्चे फिर वैसा का वैसा कर देते हैं, वह तो नॉर्मली हर घर में होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन का काम वहीं का वहीं पर रुका हुआ है, मेरी सफाई हो गई पूरी कंप्लीट, मेरा लाडू जी अब भी मस्ती किया जा रहा है, मतलब खेल रहा है, क्या खेल रहा है वो होली खेल रहा है, और अकेला ही नहीं खेल रहा वो, जो मतलब चिमू मिल रहा है, चिमू मतलब बिल्ली का बच्चा, उसके साथ में भी खेल रहा है। और मैं इस साइड आती हूँ तो मैं आपको नहीं दिखा पाती, फिर वो मैं आ जाती है तो मेरे ऊपर भी डाल देता है कि मम्मा जी हैप्पी होली, मतलब हाँ अब ये है कि थोड़ा बहुत वो थोड़ा बहुत बोलने लग गया, जैसे हैप्पी होली मतलब दो वर्ड को बोल देता जोड़ के। मेरा लाडू चल देता है अपनी पढ़ाई करने के लिए, मतलब इस कमरे को सेट किया था देखिए क्या हालत करती है, और अब उस कमरे में जाकर वो पढ़ने लग जाएगी और फिर वहाँ पर वो रेस्ट कर लेगी। फिर काम हो जाता है मेरा ख़त्म, और फिर मैं प्रेस करने लग जाती हूँ, बीच में कर देती हूँ मतलब ऊपर की सफाई कंप्लीट। और ये देखिए फिर मैं फटाफट प्रेस कर देती हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, फिर बाबा जी को चाय दे देती हूँ, खाना दे देती हूँ, और इतने से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। फिर मेरा लाडू जी फिर उन सॉफ्ट टॉय को लेकर फिर बैठ जाता है, और फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है बाबू जी चलो खेलते हैं इनके साथ में। फिर मुझसे कलर पूछते हैं, बाबू जी आप कलर बताइए, तो उस वहाँ ये है कि कलर को पहचानने लग गया है, और उसका फेवरेट कलर है पिंक, और मतलब पिंक कलर को सबसे ज़्यादा पहचानता है, येलो को भी पहचान लेते लेकिन येलो उसको नहीं बोला जाता, वो येलो को येलो बोलती है, येलो कलर। और ये देख रेड ग्रीन सबको पहचान लेती है, फिर मैं उसको बोल रही तो वो उसी कलर का मेरे को उठा कर दे देती है कि मम्मा जी ये रहा, मम्मा जी ये रहा, गलत कहती है तो मैं कह देती हूँ बाबू जी नो, तो वो रुक भी जाता है, मतलब हाँ ये है, मतलब कलर को थोड़ा बहुत पहचानने लग गया है, और मतलब ये भी जानने लग गया कि ये वाला ये कलर है, लेकिन उसका हिंदी और इंग्लिश करना नहीं आता है। मैं ये कहूँ कि उसको ये कहूँ कि ग्रीन दिखा तो ग्रीन दिखा देती है, लेकिन उसको ये कहूँ हरा दिखा तो नहीं बता पाती है, क्योंकि उसको इंग्लिश में ही पता है कि ये ग्रीन है ये येलो है, हिंदी का भी नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे करके मैं उसको सिखाती रहूँगी, और स्कूल में जाने से पहले मैं ये है कि थोड़ा बहुत मेरा बाबूजी सीख ले। हाँ ये ऐसे मैंने गुन्नू को भी रेडी कर दिया था, और गुन्नू की क्लास हो गई है कम्प्लीट, मतलब 12th क्लास उसने क्लियर कर दिया, मतलब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन मेरे बाबूजी की पढ़ाई मतलब जो होता है स्कूल लाइफ मतलब का मतलब जितना भी टारगेट होता है वो कम्प्लीट हो गया। मेरा लाडू जी आ जाता घोड़े के ऊपर, कहता है कि मामा जी घोड़े के ऊपर, और घोड़ा देखते
देखते ही फिर थोड़ी देर में उसको याद आ जाता है बैग और वो चल देती है, कहती है कि मामा जी मैं स्कूल में जाऊँगी। बोलो शाम को किसका स्कूल लगता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत राउंड लगा कर आ जाती है। ये बाबू जी को रात का खाना, बाबा जी सो गए, बाबू जी सो